तुम BTS न्यूज में आपका खैर मकदम है। हर पल की खबर आप तक। स्वागत है आपका BTS न्यूज में, मैं मोहम्मद अहमद। जैसा कि पूरे भारत में आज भारत बंद का आह्वान हुआ, आह्वान के चलते वाराणसी उत्तर प्रदेश में जगह जगहों पर धरना प्रदर्शन किए गए और रैलियां निकाली गईं। रैलियों में ज्यादातर नेताओं को ये कहते सुना हुआ कि किसान विरोधी जो बिल है उसको भारत सरकार वापस ले। कानून विरोधी किसान विरोधी बिलों का विरोध करते हुए काला कानून बताया गया और जगह जगह सपाइयों ने गिरफ्तारियां दी, धरना दिया और बहुत सारी प्रशासनिक प्रताड़नाएं झेली। किसानों का कहना है कि हम इस बिल को सरे से डिनाई करते हैं। इस मीटिंग में तभी सफलता मिलेगी जब इस बिल को निरस्त कर दिया जाएगा और पूर्व बिल को बहाल किया जाएगा। इसी के तहत किसानों की जो उनके ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या वो इस देश के किसान अन्नदाता नहीं है? क्या वो हमारे जो है रोटी प्रोवाइड जो कराते हैं किसान, जो अनाज उगाते हैं, क्या हम उसको उससे वंचित हैं? उन्हीं की देन है कि आज हम और आप और पूरा भारत इस किसान की मेहनत का ही फल खाता है। इस किसान की मेहनत का ही परिणाम है हमारा और आपका बच्चा, परिवार, वो सब व्यक्ति जो अन्न से अनाज खाते हैं, यहाँ तक कि उन पशुओं के चारे को भी किसान ही उगाता है। इसी के चलते जो भारत में बंद का आह्वान हुआ, उसी आह्वान के चलते आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी कचहरी स्तर भी सुबह 9 बजे धरना दिया गया सपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और राजपा का शास्त्री घाट स्थित भी धरना हुआ, वो लोगों ने भी धरना दिया और उनकी भी गिरफ्तारियां हुई। और इसी क्रम में भेलूपुर थाना स्थित भी धरना दिया गया और वहां पर भी गिरफ्तारियां हुई। और तमाम इस धरने को लेकर जितने भी धरनाकर्ता थे उन सभी को प्रशासनिक कार्रवाई से जूझना पड़ा, दो चार होना पड़ा। इसी क्रम में अभी हम बात ही कर रहे थे तब तक पता चला कि अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कल उनको गिरफ्तार करके उनके साथ अभद्रता की गई। इसी क्रम में सपाइयों ने बनारस में जो उनके समर्थन में धरना दिया और अपना ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को सौंपा। भारत बंद का आह्वान जो हुआ, इसी क्रम में वाराणसी बंद का भी आह्वान किया गया। लगभग हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? रमेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मंडल अध्यक्ष, वाराणसी मंडल। अच्छा, तो आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, अगर किसानों की मांगे जल्द से जल्द सरकार मांग लेती है तो हम लोगों की कोई रणनीति नहीं है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो पार्टी का जैसा दिशा निर्देश आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे का स्टेप लेंगे। अच्छा, तो आपको पार्टी कहेगी पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए, तो आप लोग पूरे भारत में प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? अरे, हम लोग भारत में प्रदर्शन भारतीय समाज पार्टी जहाँ तक है वहाँ तक प्रदर्शन करेगी। अच्छा। और हम लोग बनारस गए तो हम लोग बनारस में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो भी संगठन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पे पुलिस लाठी भी चार्ज कर सकते हैं? पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो हम लोग पुलिस की लाठी किसानों के, बेरोजगारों के खिलाफ जो है कि अगर आवाज़ आ रही है तो उसके खिलाफ हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। तो आगे की क्या प्रक्रिया? हर तरह से किसान तैयार है? हर तरह से किसान तैयार है। किसानों की आज दुर्दशा क्या है? किसान आज देश का पेट भरता है और किसान आज इतनी कड़ाके की ठंड में जो है वहाँ जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धर के सोए रहेंगे? हम लोग भी किसान के बेटे हैं, हम लोग भी ठंड में, आज ठंड जब पड़ती है तो स्कूल का समय बदल जाता है, ऑफिस का समय बदल जाता है, लेकिन रात में लाइट जब किसान को मिलती है तो 12 बजे रात को खेत में गेहूँ और धान की फसल भरने का काम करता है। उसके लिए ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। किसानों के साथ जो है कि आज उसकी मांग नहीं मांगनी जा रही है, जबकि किसान ही सबसे जरूरी चीज़ है जो देश का भरण पोषण और पेट का भरण पोषण करता है। नित्यानंद पांडे, तो क्या आप
आपको लगता है कि ये जगह जगह प्रदर्शन करने से, भारत बंद करने से किसान ये कृषि कानून भी वापस ले लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए इनको, क्योंकि ये किसानों का मामला है और किसान एक बीघे से लेके 500 बीघे 1000 बीघे तक के हैं। और हमको लगता है कि पूरे देश में 90% तो किसान ही है, इसलिए उनकी बात इनको माननी चाहिए। अच्छा, तो आपको गिरफ्तार भी किया जाता है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, तो क्या फिर आप देखिए, अब लाठीचार्ज और गिरफ्तार होने से कोई नहीं डरने वाला, क्योंकि ये जो कानून लाए हैं उससे किसान जो परेशान है वो इससे डरने को तैयार नहीं है। हम लोग भी किसान हैं। कृषि कानून बिल में क्या गलत लगता है आपको? उसमें इनकी जो व्यवस्था है, जो पहले से कानून था उससे जो है सब लोग सुकून से काम कर रहे थे, किसान अपना काम कर रहा था। ये नया नया कानून ले आकर के किसानों को उलझा रखे हैं। आगे अभी हम लोग लड़ाई को और धार देंगे। आज हमारे केवल नेता जिले के जो पदाधिकारी हैं वो धरने पे हैं, इसके बाद हम लोग इसको बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उतार कर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, तो पूरे देश में? पूरे देश। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए BTS न्यूज़ पर।